नहीं, ये पूछता हूँ 9.5 साल में ईडी ने 3,350 केसेस किए, जिसमें 90-95% ये विपक्ष के लोगों को किया टारगेट बराबर। उनमें से 9.5 साल में मुझे ये बताइए कि कितनों पे आरोप सिद्ध हुआ और कितने जेल गए। बिल्कुल, ये देखिए मैं भी बाजार में काम करता हूं, मैं इतना सा कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है अगर आपसे मैं डायरेक्ट नहीं लड़ पाता तो आपकी छवि बिगाड़ने के लिए भी मैं कई केसेस करता हूं या कोई काम करता हूं। मैं भी जानता हूं कि ये केस में तथ्य नहीं है, 2-5 साल में ये केस रद्द हो जाएगा या आप जीत जाएंगे, लेकिन ये 2-5 साल जो मेंटल टॉर्चर आपको होगा ना, वही मेरी जीत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल पटेल और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम किसका होगा राज्याभिषेक में। खास करके 5 राज्यों में चुनाव है और जिस तरह से प्रचार अभियान 5 राज्यों में, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से हो, पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हो या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से हो, चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है चारों तरफ से। लेकिन इस 5 राज्यों के चुनाव में 2 एलिमेंट जो ऐसे हैं जो खास करके वो नए प्रवेश हुए हैं। एक तो ईडी जो राजस्थान में छापेमारी कर रही है, सीएम अशोक गहलोत के पुत्र को वैभव गहलोत को नोटिस दी गई है, हो सकता है 3-4 दिन में उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाए, ऐसी संभावना राजनीतिक गलियारों में चल रही है। साथ ही राम मंदिर का मुद्दा है वो भी उठने लगा है और कल ही पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के एक बड़े धर्म जो मठ है, धर्म का आश्रम है, वहां पर वो गए, उस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। राम भद्रापद जो आध्यात्म गुरु है उनसे भी बातचीत की, उन्हें गले लगाया, पूरी बातचीत की। यानी कि इस 5 राज्यों के चुनाव में अब एक सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग का मामला धीरे धीरे कांग्रेस को आक्रामक रूप से उठाने लगी है, तो दूसरी तरफ राम हिंदुत्व सनातन धर्म की बात भी आ रही है। हमारे साथ 2 समीक्षक हैं, खास करके एक है मिलन भाई खीरा जो राजकोट से हैं, लेकिन राजस्थान की राजनीति, मध्य प्रदेश की राजनीति और यूं कहें कि देश भर की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं और कब किस एलिमेंट का एंट्री हुआ उसका क्या मतलब, वो अच्छी तरह समझते भी हैं और लोगों को अच्छी तरह समझा भी सकते हैं। दूसरे जीके मिश्रा, वो भी राष्ट्रीय राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं, भाजपा को खास करके वो पैनी नजर रखते हैं उसके बारे में और खास करके आरएसएस के बारे में जान, अच्छा खासा उनका अध्ययन भी है और उसके बारे में जानते भी हैं। मिश्रा साहब, आपके पास आऊंगा, जिस तरह से ईडी की रेड हुई, चाहे आप शरद पवार की बात करें, चाहे संजय राउत की बात करें, वो सबको तो नोटिस गए, संजय राउत तो बाहर भी आ गए, उनके भी एक नेता की बात करें, यहाँ अभिषेक बैनर्जी की बात है उसको भी गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो झारखंड के सीएम उनके यहाँ भी ईडी गई, भूपेश बघेल के यहाँ भी ईडी गई। जिस तरह जब से ये इंडिया फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा मैं देख रहा हूं जो मीडिया में मैं भी अध्ययन कर रहा हूं उस हिसाब से, तब से इंडिया गठबंधन के जितने लोग हैं, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो दिल्ली आम आदमी पार्टी हो, वहां उनकी दबिश बड़ी है। लगता है धीरे धीरे ईडी प्रूफ ऑफ विपक्ष होता जा रहा है, उनको चिंता नहीं है, हाँ ठीक है पकड़ लो हम जेल से इलेक्शन लड़ लेंगे, इस तरह का एक माहौल बनता जा रहा है। ईडी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही, जो कभी यूपीए सरकार के लिए तोता थी वो आज उनके लिए बाज हो गई, बीजेपी के लिए बाज हो गई। बीजेपी आज की तारीख में इलीगल काम जो कर रही है लीगल तरीके से, वो डायरेक्ट हमला नहीं कर रही है, किसी भी विपक्ष के नेता पे या पार्टी पे खुद के ऊपर दाग लेके काम कर ही नहीं रही है, वो एक ही काम कर रही है, ईडी सीबीआई आईटी जो हो रहा है लीगल हो रहा है, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जनता को सारी चीज समझ में आती है, लेकिन वो दिखाने की यही कोशिश कर रहे हैं कि ये जो भी काम हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट जो है वो कर रही है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बल्कि जब ठीक है इशारे पे उड़ रहा है ये, तो मतलब हुई बीजेपी की बात, कि बीजेपी के पास और कोई हथियार तो बचा नहीं है, हिंदू मुसलमान से कंटाल गई है और झूठ की फैक्ट्री से रोज नया नया झूठ निकलता है नोएडा स्टूडियो से, तो लोगों ने नेशनल चैनल देखना ही छोड़ दिया। तो
बचा क्या? बचा यही कि भाई डराओ, जहां इलेक्शन है वहां जितना डरा सकते हो डराओ भाई, प्रयास करना उनका भी काम है ना, उनका हक है, है? तो वो अपना हक अदा कर रहे हैं, तो हक अदा कर रहे हैं कि भाई जितना दबा सको जितना डरा सको डराओ, 100 में 50 भी डर जाएंगे तो 50% तो काम हो ही गया। लेकिन हाँ, विपक्ष जो है, विपक्ष को समझने में 9.5 साल लग गए, विपक्ष बहुत देर से जागा। मैं ये जरूर कहूंगा कि विपक्ष बहुत देर से जागा, यही चीज 19 के इलेक्शन में जाग गए होते ना तो आज परिणाम कुछ और होता। लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जब जागे तब सवेरा। तो विपक्ष ने तो ये सोच लिया है कि अगर साथ, देखो साथ देने का मतलब तो ये तो नहीं है कि अखिलेश यादव सपा छोड़ के और बीजेपी में आ जाएंगे, राहुल गांधी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ जाएंगे, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इस जन्म में तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है गठबंधन हो सकता है, लेकिन कोई पार्टी छोड़ के और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में तो जाएगा नहीं। तो विपक्ष को ये पता है कि हम झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे, होगा वही जो बीजेपी करना चाहती जी, तो फिर लड़ क्यों ना ले, चलो लड़ लिया जाए। और एकता तो है ना विपक्ष के पास कि INDI जो इंडिया गठबंधन है उसमें अच्छे से अच्छे धुरंधर हैं, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, खड़गे जी हैं, और भी बड़े बड़े नाम हैं, शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, है? बीजेपी के पास क्या है, कितने, आप मेरे को 5 टॉप के नेता बता दो ना। बीजेपी की टॉप की 5 गठबंधन पार्टियां बता दो जिसका आम आदमी के पास पूरा फुल फॉर्म भी ना जानता हो। बराबर, मतलब बीजेपी यही 2-3 लोगों के दम पे चल रही है और उसके पास जो गठबंधन है उनके पास तो अपनी खुद की सीटें नहीं है, कोई ग्राउंड लेवल पे उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं, या कोई विधायक या MLA या सांसद नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि विपक्ष ने यह ठान लिया है करो या मरो। और स्थिति भी यही है कि डरोगे तो और डराएंगे, इट विल बी बेटर, चलो लड़ लेते हैं, ये विपक्ष की सोच है और ये होनी भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास होंगे जी के मिश्रा साहब, खास करके जिस हिसाब से बात कही मिलन भाई ने कि लगभग हम उनको तो ये लगता है कि 2024 में 400 सीटों के साथ में NDA यानी कि नरेंद्र मोदी फिर से PM बनने जा रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से पूरे देश में माहौल है, इन 5 राज्यों की बात करें जो सर्वे आए राज्यों को लेकर, एक राजस्थान को छोड़ दे तो बाकी जगह पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। पर सवाल यही है कि 2018 में भी यही हाल था, लेकिन लोकसभा के चुनाव जैसे ही हुए राजस्थान में 25 के 25 सीट, आप वही हाल देखो 11 में से 9 सीट छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर आप मध्य प्रदेश में देखिए तो वहां भी 1-2 सीटों छोड़ के बाकी सभी सीट जीते। आप उत्तर प्रदेश की बातें देखें, आप गुजरात की बात देखें, नेशनल स्तर पर जब बातें जाती हैं तो लोग अलग तरीके से वोट पैटर्न करते हैं। जो हो सकता है लोग स्थानिक लेवल पर लोग आपको जिता दें, लेकिन जब बात ऊपर की जाती है तब स्थिति बिगड़ जाती है, क्यों ऐसा है? इसमें खामी लोकल नेताओं की है। पहली बात, जब मैं ये कहता हूं सरकार, अगर मान लो हम राजस्थान की बात करते हैं, सरकार आपकी है, पुलिस आपकी, म्युनिसिपैलिटी आपकी है, सब कुछ आपका है, तो आप लोगों तक पहुंचते क्यों नहीं है जी? आप पता है 6 महीने बाद इलेक्शन है, बराबर, आप विधानसभा के लिए जितनी मेहनत करते हैं कि हमारी सरकार बन जाए, उतनी मेहनत आप लोकसभा के लिए भी कीजिए ना, तब वहां के CM और वहां के HM और लोगों नेताओं को पड़ी ही नहीं है, वो तो यही समझ रहे हम तो विधायक बन गए, हम तो मंत्री बन गए, हम तो राज्य की कैबिनेट में आ गए, हमारा काम खत्म। तो अगर आपकी पार्टी को नेशनल लेवल पे सत्ता, केंद्रीय सत्ता चाहिए, तो जहां भी आपकी सरकार है तो वहां आपको ये MLA का जो इलेक्शन होता है उससे ज्यादा मेहनत सांसद के इलेक्शन के लिए करना चाहिए, लोकसभा के लिए करना चाहिए, जो करते नहीं है, ये खामी है। अच्छा, कांग्रेस क्यों डूबी, कांग्रेस का इतना खराब परिस्थिति क्यों आई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। इनके पास भी ED CBI थी, 2014 तक यही थे सरकार में, इनके पास भी सब कुछ था, पर इनको ये लग रहा था
कि नहीं हम एक तो हम गलत नहीं करेंगे, जो भी है उनकी सोच, मुझे कोई कान में आके किसी ने बताया नहीं है क्या सोच है, लेकिन जो मुझे दिखता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में मर गए। जो मिलन भाई ने कहा मैं उनसे सहमत हूं कि टिट फॉर टैट होना चाहिए, जैसे के साथ तैसा। मैंने अपने लास्ट कार्यक्रम में भी कहा था कि भाई अगर आज आप 40 मारोगे तो हमारा वक्त आएगा हम 400 मारेंगे। अगर ये धारणा आप नहीं रखोगे तो राजनीति छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है। वो जमाने गए जब इंदिरा गांधी खड़े होकर एक भाषण दे देती थी और गांव गांव पागल हो जाता था, वो समय गया। अब लोग सोशल मीडिया पे हैं, इंटरनेट का जमाना है। गुजरात में एक पत्थर गिरे कि जर्मनी में एक पत्थर गिरे, सबको जनता को दिखाई और सुनाई पड़ता है, बराबर। अभी हमारे 8 नेवी ऑफिसरों को फांसी की सजा सुनाई गई, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं कतर में, क्या कर रहे? कुछ नहीं है। और जो स्टेटमेंट आया वो इस प्रकार का आया, ओहो अच्छा ऐसा हुआ है क्या, फांसी की सजा दी है क्या? मतलब आप 14 महीने से वो जेल में है कतार के, आपको पता ही नहीं है क्या? आपने क्या कदम उठाए? आपका कतार तो आपका दूसरा घर है, आप तो ये स्टेटमेंट देते हो कि कतार मेरा दूसरा घर है, बराबर। तो आपने अपने घर से अपने ही लोगों को क्यों नहीं छुड़वाया? आप यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हो छात्रों को वापस लाने के लिए, अगर ऐसा हुआ है तो मैं खुश हूं, अच्छी बात है कि आप में इतनी ताकत है कि आप युद्ध रुकवा के हमारे बच्चों को वापस लाए। लेकिन उसमें से एक जो अधिकारी है वो तो मध्य प्रदेश के हैं, उन्हें यहाँ पर एक विदेशी भारतीय का उनको इनाम भी दिया गया था जो प्रवासी भारतीय हुआ था उसमें, और जब उनकी बहन ने ये पूरा मामला उठाया तब जाकर विदेश मंत्रालय हरकत में उस समय आया था। लेकिन सवाल ये है कि ये सब मुद्दे जो आपने कहे, क्या कांग्रेस इसे जनता बेस या यूं के वोट लेवल पे, मंडल लेवल पे, ग्रामीण लेवल पे उठा पाती है? ऐसे सारे मुद्दे जो भाजपा है, जो उसकी टीम है, जिस तरह से कहा मिलन भाई ने कि उसके पास VHP है, RSS है, बजरंग दल है, उसकी शाखाएं लगती हैं, वो अपनी कोई भी बात एक मिनट में लाखों लोगों के तक एक मिनट में पहुंचा देती है, चाहे वो सही हो गलत हो कि पछी या फिर कहीं ना कहीं मैनिपुलेट किया हुई चीजों हो, वो पहुंचा सकती है। क्या ये कमी है कांग्रेस में जो आप देखते हैं कि जो एक चेन होनी चाहिए नीचे तक कम्युनिकेशन की, वो नहीं है उसमें? बिल्कुल कमी है। मैं अभी भी कहूंगा कि कांग्रेस अभी आधी नींद में, आधी नींद से तो जाग गई है लेकिन कांग्रेस अभी भी आधी नींद में है। ग्राउंड लेवल पे अगर आम जनता तक, गांव-गांव तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी तो शहरी विकास के दम पे आप नहीं जीत सकते। और कांग्रेस का बरसों का इतिहास रहा है कि कांग्रेस ग्रामीण वोटों से ही आगे बढ़ी है। शहरी विकास में तो कई लोग सेंध लगा देते हैं, ये गुजरात का हमारे इलेक्शन में देख लो, आम आदमी पार्टी भी आ गई, ओवैसी भी आ गए, तो नुकसान किसका हुआ? कांग्रेस का हुआ ना। वोट किसके वोट इनके कटे, क्योंकि ये सोच के बैठे हैं कि हमको केवल लड़ना है। अरे भैया केवल लड़ना नहीं है, जीतना भी है। और जीतने के लिए अगर आप रणनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तो आपको रणनीति भी करनी पड़ेगी। रण में उतरने के बाद आप ये नहीं सोचते मैं ये कर सकता हूं या ये मैं नहीं करूंगा। रण में उतरने के बाद दो चीज पॉसिबल है, या तो बिल्कुल चाहे बिल्कुल नहीं। प्लीज, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। मिश्रा साहब, आपके पास छेले के बीजेपी के लिए ऐसा कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि बीजेपी अपने लोगों को तो CD से निपटाती है लेकिन जो विरोधी हैं उन्हें ED से निपटा रही है अभी। मैंने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि बॉम्बे वो अंडरवर्ल्ड भले खत्म हो गया, अब उस अंडरवर्ल्ड ने एक व्हाइट कॉलर स्वरूप ले लिया है। आप समझिए, ये ईडी मतलब, मैं देखिए इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, इंस्टीट्यूशन अपना काम करती है, लेकिन इंस्टीट्यूशन जब अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर छोड़ के किसी की गुलाम बन जाएगी, किसी का पोपट बन जाएगा, किसी का बाज बन जाएगा, तो फिर वो इंस्टीट्यूशन की वैल्यू खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और उसी का वो एक तरह से उनके लिए एक शार्प शूटर वाला काम कर रहे हैं कि भाई ये हमको लड़ रहा है, इसको जरा ठिकाने लगाओ, बराबर। मैं ये पूछता हूं, 9.5 साल में ईडी ने
3,500 केसेस किए जिसमें 90-95% ये विपक्ष के लोगों को किया टारगेट बराबर, उनमें से 9.5 साल में मुझे ये बताइए कि कितनों पे आरोप सिद्ध हुआ और कितने जेल गए। ये देखिए, मैं भी बाजार में काम करता हूं, मैं इतना सा कहना चाहता हूं, कई बार क्या होता है अगर आपसे मैं डायरेक्ट नहीं लड़ पाता तो आपकी छवि बिगाड़ने के लिए भी मैं कई केसेस करता हूं या कोई काम करता हूं। मैं भी जानता हूं कि ये केस में तथ्य नहीं है, 2-5 साल में ये केस रद्द हो जाएगा या आप जीत जाएंगे, लेकिन ये 2-5 साल जो मेंटल टॉर्चर आपको होगा ना, वही मेरी जीत है। तो ये बीजेपी वही कर रही है, बीजेपी के साथ वही कर रही है। बिल्कुल मिस्टर साहब, आपका धन्यवाद। देखिए, खुद ही मीडिया के जी का सर्वे भी आ गया, जी का सर्वे भी अब ये कबूल कर रहा है कि 4 बड़े राज्यों में कांग्रेस बीजेपी से आगे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों मेहमान जुड़े, दोनों ने अच्छी तरह समझाया राष्ट्रीय अपना जो एस्पेक्ट है वो भी, और जो राज्यों के एस्पेक्ट है, क्या मुद्दे हैं और क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों को। लेकिन एक बात जरूर है, जिस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग बढ़ा है, जो उसके कारण नाराजगी और जनता में ये चीज धीरे धीरे पहुंच रही है, मतलब 3 दिसंबर को ऐसे तो रिजल्ट आएगा, लेकिन जो माहौल बनाने का काम है वो दोनों पक्षों की तरफ से जारी है, बदस्तूर जारी है, साम दाम दंड भेद जो हो सकता है वो प्रयोग भाजपा की तरफ से भी हो रहा है और बचाव के पक्ष में कांग्रेस की तरफ से भी हो रहा है। अभी इसलिए इतना ही, नमस्कार।